हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय। होपफुली आपने मेरे अभी तक के फेस्टिवल सीजन वाले सारे व्लॉग्स एंड जोधपुर ट्रिप के व्लॉग अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने जोधपुर से क्या क्या शॉपिंग की। तो अगर आप राजस्थान जाएं एंड वहां से कुछ ना लाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान इज फेमस फॉर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी। तो मैं वहां से बहुत सारी शॉपिंग करी है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप जोधपुर जाएं एंड वहां से आप अपने बच्चे के लिए साफ वाला लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने शिवाय के लिए जो पहली चीज वहां से खरीदी है वो है एक बहुत सुंदर सी पगड़ी, जो कि एक राजस्थानी पगड़ी है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। एंड दिस इज लाइक, बट मुझे थोड़ा साइज छोटा आ रहा है क्योंकि वहां पे ना डिफरेंट साइजेस होते हैं हर पगड़ी के। तो मैंने शिवाय के अकॉर्डिंग लिया है, शिवाय के साइज से थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि वो एक दो साल बाद इसको पहन सके। बट दिस इज वेरी कलरफुल एंड काफी मुझे इसको पसंद आया। इसके अलावा इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर यहाँ पे पूरे में बास्केट लगी हुई है ताकि जो आपकी पगड़ी है वो खराब ना हो, सो आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो उसके साथ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम जोधपुर। नेक्स्ट चीज जो मैंने शिवाय के लिए खरीदी, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट गए एंड आपकी किसी चीज पे नजर टिक गई एंड उसके बाद आपने बहुत सारी चीजें ढूंढी बट आपने फाइनली वही चीज खरीदी? तो मेरे साथ ऐसा जोधपुर में हुआ। मैंने शिवाय के लिए एक टी शर्ट देखी जो कि मार्केट के स्टार्टिंग पे थी एंड वो मुझे इतनी अच्छी लगी, फिर उसके बाद मैंने पूरा मार्केट घूमा, बहुत सारी शॉपिंग करी। बट बाहर आने के बाद मैंने बोला अपने हस्बैंड को, मुझे ये टी शर्ट चाहिए चाहिए। सो दिस इज द टी शर्ट फॉर शिवाय एंड इसके ऊपर एक पगड़ी वाला आदमी बना हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज वेरी कूल टी शर्ट। तो मुझे ये ना देखते ही पसंद आ गई थी। काश इसमें मेरा साइज भी होता तो मैं और शिवाय इसमें अच्छे से ट्यूनिंग कर सकते थे। अभी ये नहीं आएगा तो इसलिए मैंने थोड़ा साइज बड़ा लिया ताकि नेक्स्ट समर में वो उसको अच्छे से पहन सके। सो दिस इज द सेकेंड आइटम, एक टी शर्ट। प्राइस मुझे इसका याद नहीं है, आई थिंक 100 रुपीज में मैंने टी शर्ट खरीदी थी। नेक्स्ट आइटम जो मैंने अभी जोधपुर से परचेज किया है वो है चूड़ियाँ। अगर आप राजस्थान गए और वहां से आप लाख की चूड़ियाँ नहीं लाए तो आपकी शॉपिंग अधूरी है। सो दीज आर द चूड़ियाँ जो मैंने खरीदी है जोधपुर से, ये लाख की चूड़ियाँ हैं। एंड आपको मैं पास से दिखाती हूँ, दे आर वेरी 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 प्रिटी। एंड जोधपुर से मैंने जितना भी सामान खरीदा है ना, दैट वॉज क्वाइट चीप अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ। अगर आप इस तरह की चूड़ियाँ दिल्ली से खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं, बट मुझे जोधपुर से काफ़ी सस्ती मिली। 250 में मैंने 16 चूड़ियाँ खरीदी हैं। अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे तो 8 चूड़ियाँ आपको इससे ज़्यादा महंगी मिलती हैं, बट जोधपुर से मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी। सो दी ज़्यादा चूड़ियाँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने जोधपुर से खरीदी है वो है जोधपुर के फेमस बांधिनी दुपट्टे, जो कि जोधपुर की एक स्पेशलिटी है। तो वहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे बांधिनी दुपट्टे हो गया, इसके अलावा जूतियाँ हो गई, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं वो सब नहीं खरीद पाई। दुपट्टे मैंने खरीदे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट दुपट्टा विच आई बॉट फ्रॉम जोधपुर। ये बहुत ही सुंदर दुपट्टा है एंड इसके ऊपर आप देखोगे ना, यहाँ पर साइड में दिया हुआ है एक गोटा पट्टी वर्क जो कि इसको काफी रिच बना रहा है एंड साइड में मोती लगे हुए हैं, तो इसका जो लुक हो गया है वो बहुत ज्यादा रिच हो गया इस वजह से। एंड इसमें मल्टी कलर है तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के साथ पेयर कर सकते हो। सो दिस इज द दुपट्टा एंड मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा मैंने एक और दुपट्टा खरीदा है विच इज एक्चुअली वेरी रेयर, क्योंकि सिंगल कलर में बांधिनी दुपट्टे बहुत कम मिलते हैं। सो इसके ऊपर भी सेम वर्क है, यहाँ पे गोटा पट्टी वर्क दिया हुआ है, फिर मोती लगे हुए हैं, तो इसको काफी रिच बनाता है ये दुपट्टे को। एंड इसका कलर इतना प्यारा है, अगर आप कुछ ब्लैक पहन रहे हो या कुछ व्हाइट पहन रहे हो उसके साथ ये रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। सो ये मैंने खरीदा, मुझे देखते ही मैंने कहा मुझे ये दुपट्टा चाहिए चाहिए। सो दीज आर टू दुपट्टाज जो मैंने खरीदे हैं जोधपुर से। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें अपने किचन के लिए खरीदी हैं, उसमें सबसे पहले है कुछ कूलर वाले कप जो मैंने खरीदे हैं राजस्थान से। सो मैं आपको एक कप दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये एक्चुअल में। सो ये है कूलर का कप एंड इसके अंदर प्रॉपर मिट्टी ही है। मुझे उस शॉपकीपर ने बोला था कि आप अगर इसके अंदर चाय पियोगे तो आपको वो मिट्टी वाला फ्लेवर आएगा जैसा कूलर में आता है। एंड अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बट मेरे को काफ़ी पसंद आया तो मैंने ही ले लिए।
इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम मैंने खरीदा है एंड दिस इज द लास्ट आइटम, वो है ये किचन के लिए, इसको क्या बोलेंगे, जैसे सिलबट्टा होता है ना लोगों के घर में, वैसा कुछ है ये। तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, बट ये मेरे लिए आजकल बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैं इसमें शिवाय को बादाम घिस के देती हूँ, उसको जायफल देती हूँ। सो बहुत दिनों से मैं इसको तलाश कर रही थी एंड दिल्ली में ये नहीं मिल रहा था, मुझे वहाँ दिखा हुआ, मैंने बोला ये तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जोधपुर से खरीदी, होपफुली आपको ये शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये शॉपिंग पसंद आई है तो मुझे बताइए कैसी लगी, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन हिट करो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप उसे मिस ना करें। एंड इसके अलावा आप मुझे पर्सनल अपडेट्स पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।